आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप पे हम बात करेंगे ट्रिक्स की, ये कैसे हम वी लुकअप के अंदर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग का दे दीजिए। हाँ, कंडीशन पर मैं स्क्रीन दे दिया और आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं वी लुकअप ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा में जैसे कि नाम है, तो यहाँ पे एक चीज है कि जहां मुझे लुकअप करना है, मुझे यहाँ लुकअप करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लुकअप करना है पुनीत, और डेटा में मान लीजिए यहाँ पे पुनीत शर्मा। अब लुकअप कैसे होगा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पुनीत है और पुनीत शर्मा। अगर आप नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं, इसको सेलेक्ट किया तो नहीं पकड़ेगा, और डेटा में मिल जाते हैं, नहीं पकड़ेगा ना सर? नहीं, कॉमा सिक्स कॉमा जीरो करते हैं, फिर नहीं आया। क्योंकि एग्जैक्ट मैं चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया पुनीत शर्मा लिख देता हूँ तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ पुनीत से नहीं आ रहा है। तो उसके लिए उपाय है, आप क्या कीजिएगा कि पुनीत के दोनों तरफ स्टार लगा दीजिए, तो हो जाएगा कंटेन विथ पुनीत। मतलब कि पुनीत शर्मा हो, शर्मा पुनीत हो, या कुमार पुनीत शर्मा हो, एक कंटेन की तरह वर्क करेगा। लेकिन मैंने लिखा पुनीत और फिर स्टार लगा दिया। अब क्या होगा जब मैं वी लुकअप लगाता हूं, इसमें वी लुकअप को सिलेक्ट किया, हाँ तो ये हो जाता है नेम सिक्स कॉमा जीरो, तो ये हो जाता है स्टार्टिंग विद पुनीत। अगर यहां पे मैं नाम जो पुनीत शर्मा अभी आ रहा था, इसके जगह पे मैं लिख देता हूं शर्मा पुनीत, तब नहीं लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये स्टार्ट विथ है। अगर मैंने स्टार्ट लगा दिया देन पुनीत लगा दिया शर्मा या पुनीत कर दिया सिर्फ, तो ये ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एंड विथ पुनीत। तो दोनों तरफ स्टार लगाते तो क्या होता है, दोनों तरफ स्टार लगाने के बाद होता है कंटेन। अगर सिर्फ एक तरफ लगाते हैं तो स्टार्ट विथ, अगर बाद में पीछे लगाए तो स्टार्ट विथ, आगे लगाए तो एंड विथ, एंड विथ, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क भी होता है, जैसे मान लीजिए नाम में जो है एक कोड डाला हुआ है D74। अब कोड क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन ना पता है को तीन डिजिट का होता है, तीन लेटर होता है उसमें। तो यहां पे आप थ्री टाइम लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क देन वी लुकअप, इसको सिलेक्ट कीजिए, सिक्स कॉमा सिक्स कॉमा जीरो, समझे? हेलो, हाँ, ये क्वेश्चन मार्क में ये कैसे ये वाला पकड़ रहा है? हेलो, तीन डिजिट, तीन नंबर ऑफ लेटर, एनी लेटर, थ्री एनी लेटर। अच्छा, अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स मतलब ए रिप्रेजेंट वन लेटर, यानी एक एक क्वेश्चन मार्क एक एक लेटर। जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूजा 742 दिल्ली, ठीक है। अब ए 742 क्या हो गया, उसका आईडी नंबर है, ए कोई है, ए 742 की जगह पे कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, थ्री डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। और पूजा दिल्ली लिखा हुआ कि दिल्ली की पूजा है, पूजा मुंबई की भी हो सकती है, पुणे की भी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे पूजा आ गई, अब यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे भी हो सकता है कि पुणे भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इतना नाम पता है
और सिटी पता है। बीच का जो कोड है 742 या मान लीजिए इसके जगह पे हो सकता है 732 है, एक कोड हमें नहीं पता डेटा लुकअप करना। तो उस केस में क्या होगा, यहां लिखेंगे पूजा 123 दिल्ली, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, समझे? ओके। तो क्वेश्चन मार्क का यूज ऐसे केसेस में करते हैं जैसे कि आपको पूरा नाम को पता है लेकिन बीच के कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि बार बार बदलते रहते हैं या कुछ भी हो सकता है, उस केस में इसका यूज करते हैं हम लोग। और अगर स्पेस हो नंबर के बाद तो भी काम करेगा ये क्वेश्चन मार्क? जी हाँ 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 हाँ, एनी करेक्टर? नहीं नहीं, स्पेस होगा तो नहीं होगा, इसमें अगर स्पेस कर दिया तो फिर फोर लेटर करना पड़ेगा आपको, समझे? स्पेस भी एक लेटर है ना। तो यहाँ पे चार लेटर करना पड़ेगा। ओके तो ले ले, ओके ओके समझ गया, समझ गया डाउट इसमें, क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए अब एक डेटा, एक सिंपल सा डेटा और भी है हमारे पास। मैं यहां पे जैन फैब 22 कुछ डेटा बनाता हूं, यहां पे नेम पूजा, मैं यहां पे सेल्स लिखा हूं, चार ही करता हूँ, ठीक है? इन चारों को सिलेक्ट किया, कॉपी, मार्च अप्रैल। अब मुझे यहां पे डेटा चाहिए, अब मुझे यहां पे पूजा का टोटल चाहिए। तो यहां हमने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और चला गया किसमें, जनवरी में, जनवरी को लिया कॉमा 2.0, ठीक है। फिर मुझे फरवरी के लिए भी सेम करना पड़ेगा वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, मैं फाइव वाले शीट पे चला गया, इसको सिलेक्ट किया कॉमा 2.0। अब देखिए दोनों में, अगर दोनों की हम, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला लगाता हूँ और लेता हूँ, इसको ये करता हूँ फॉर्मूला, समझे? तो दोनों में अंतर कितना है? सिर्फ शीट रेंज का, दोनों में शीट नेम का है, शीट नेम शीट का ही ना अंतर है। तो क्या करें जो शीट ऐसा ना हो? तो इसके लिए मैं यहां पे जो फॉर्मूला है इसको डिलीट करता हूं, मैं चाहता हूं सीट नेम जो है वो यहीं से आ जाए, ऊपर कॉलम से। हां एंड परसेंट, अब ये टेक्स्ट हो गया तो इसको इनवर्टेड कॉमा देना पड़ेगा ना, बट रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट ना आने का कारण क्या है? इसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, एवलेट फॉर्मूला। वो शीट ठीक से रीड नहीं कर रहा क्या? शीट नेम में प्रॉब्लम हो रही है रीड करने में।
सॉरी सर म्यूट हो गया था। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप क्या होगा, ये दोनों जब कंबाइन होगा तो टेक्स्ट हो जाएगा, हो गया ना सर। अब इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको करेंगे हम फॉर्मूला इनडायरेक्ट। ओके आ गया। अब मुझे ए टू का ए फ्रीज करना है, बस बी वन का वन फ्रीज करना है, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। सर अब कल के डेट में हमारे कोई नया सीट ऐड होता है, बस यहाँ पे रेफरेंस डाल फॉर्मूला को ड्रैग कीजिए, अपना आप आ जाएगा। अच्छा तो इनडायरेक्ट अपना रेफरेंसिंग के लिए काम आता है इनडायरेक्ट? जी हाँ, इनडायरेक्ट काम ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने रेफरेंस को अगर हमने दे दिया नंबर में टेक्स्ट में, तो उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक कर दिया सर, समझ गए? हाँ जी, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास नेम और सिटी दोनों है, माने नेम और प्रोडक्ट, हम तीनों चीज को कॉपी कर लेते हैं। मुझे यहां पे पता करना है कि पूजा जो है ई सिटी में कितना क्वांटिटी सेल किया, समझे? मतलब कि मल्टीपल क्राइटेरिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नहीं एक नहीं, हम दोनों को उठाएंगे प्रोडक्ट और क्वांटिटी, अच्छा, नेम और प्रोडक्ट को एक सेपरेट के साथ कॉन्क्रीट कर देंगे ना, लुकअप करना है तो एक यूनिक बन जाएगा ना। फिर यहाँ पे इक्वल डी लुकअप, हाँ यहाँ भी इसको पूजा को लिया कॉन्कैटिनेट और हमने इसको इस सिटी को लिया, और यहाँ सिलेक्शन शुरू किया और हमने यहाँ पे 4.0 कर दिया। अगर तीन से ज्यादा है तो जितने ज्यादा है उतने आपको आपस में कॉन्कैटिनेट करते चले जाए, कंडीशंस मैच करते चले, ठीक है, क्लियर है जी? ए हो गई आपकी लुकअप ट्रिक्स में।